नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी नहीं, राष्ट्रपति करें राहुल गांधी की सरकार से अपील। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि ये पीएम मोदी का वैनिटी प्रोजेक्ट है। अभी भी नाराज कलचुरी समाज, जगह जगह लगे धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद के पोस्टर, FIR की उठी मांग। कलचुरी समाज के लोगों ने भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और अब गिरफ्तारी की मांग न पूरी होने पर देश भर में प्रदर्शन की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होने पापुआ न्यूगिनी पहुंचे। पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे ने पैर छूकर पीएम मोदी का स्वागत किया। कर्नाटक के नए सीएम सिद्धार्थ मैया ने शपथ के कुछ घंटों बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटियों को मंजूरी दे दी है। सरकार के फैसले का लाखों लोगों पर असर होगा। किस ओर जाएगा पहलवानों का धरना, जंतर मंतर पर खाप महापंचायत। दरअसल जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और खाप ने सरकार को 21 मई तक एक्शन लेने का अल्टीमेटम दिया था। बैंक में 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ सकता है। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशली विंडो होंगे। जेल में बंद अतीक के शूटर का FB अकाउंट का एक्टिव। दरअसल माफिया अतीक अहमद और अशरीफ की हत्या करने वाले बांदा के शूटर लवलेश तिवारी का फेसबुक अकाउंट हाल ही में एक्टिव दिखा। यही नहीं, उसे एक पोस्ट भी शेयर किया गया, जिसे लेकर SP अभिनंदन ने साइबर सेल टीम को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। एग्जिट हो जाए ताकि लोग संविधान ना बदल सके, केजरीवाल से मिलकर बोले नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। BJP नेता का दावा, गिरफ्तार नक्सली ने मांगी थी 10 AK-47 राइफलें। दरअसल नेपाल से गिरफ्तार किए गए PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप ने रांची के एक भाजपा नेता को फोन कर 10 AK-47 राइफल मांगी थी। राइफल ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इस मामला में भाजपा नेता ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।